बढ़ते हैं। कांग्रेस के महाधिवेशन में कांग्रेस नेता और पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू जमकर गरजे। उन्होंने शेरो शायरी में भरपूर ऐसा भाषण दिया कि पूरा अधिवेशन जोश से भर गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लेकर दिग्गज नेताओं तक सब गदगद हो उठे। पूरा अधिवेशन कई बार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, लेकिन सिद्धू ने ठीक वैसा ही भाषण दिया जैसा उन्होंने 2011 में सद्भावना मिशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दिया था। उस वक्त सिद्धू बीजेपी के नेता थे, लिहाजा उन्होंने मोदी और उनके विकास की जमकर तारीफ की थी। लेकिन अब वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं तो उनका नेता बदल गया है। बात वही थी, शेरो शायरी वही थी, बस नेता मोदी के बजाय राहुल और सोनिया हो गए थे। आइए आपको सिद्धू के दोनों भाषण सुनवाते हैं। वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, जब जोश ही नहीं लल्ला किस काम की है जवानी, जान और सर झुक जाए। ध्यान से सुनना, मैं मोदी साहब के लिए कह रहा हूं, जहां हर सर झुक जाए वही मंदिर है, जहां हर नदी समा जाए वही समंदर है। जीवन की इस कर्म भूमि में युद्ध बहुत है, जो हर जंग जीत जाए वही मोदी जैसा सिकंदर। जिसमें नहीं रवानी, अबे जब जोश ही नहीं लल्ला किस काम की तेरी जवानी। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, पारस और सोनिया जी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। उद्योगपतियों के पास वो अमीरी नहीं है दोस्तों, पैसा कमाने वाले लोगों के पास भी वो अमीरी नहीं है दोस्तों। अमीरी है तो नरेंद्र भाई के पास, क्योंकि नरेंद्र भाई के पास आज गुजरात और हिंदुस्तान के लोगों का प्यार और विश्वास पूरी तरह से बरकरार है। कमाए होंगे अंबानियों ने पैसे, बने होंगे बड़े बड़े सेठ, लेकिन पिछले 20 साल में अगर किसी ने सबसे ज्यादा इज्जत कमाई है तो हमारी अध्यक्षा सोनिया जी ने कमाई, ये सत्य है और सिद्धू सत्य बोलता है। जैसे कोई तिनका बहता बहता नर्मदा माई में किसी शिवलिंग के ऊपर टिक जाए तो कैसा महसूस करेगा, वैसा नवजोत सिंह सिद्धू नरेंद्र भाई मोदी की संगत में आके महसूस कर रहा है। ये मेरे लिए किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं है। ये मिट्टी का ढेला आज यहाँ आके खुशबूदार हो गया, वरना औकात ही क्या है इस नवजोत सिंह सिद्धू की। जैसे नर्मदा माई में बहता हुआ कोई तिनका किसी शिवलिंग के ऊपर टिक जाए तो क्या महसूस करेगा, वैसे ये सिद्धू यहाँ तुम्हारे महाकुंभ में आके महसूस कर रहा है। मिट्टी का ढेला गुलाबों की क्यारी में आ गया। 2011 में सिद्धू ने बीजेपी और उसके नेताओं को सिकंदर कहा था। 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सिकंदर कहा। 2011 में सिद्धू ने नरेंद्र मोदी को भाई कहा था, लेकिन 2018 में राहुल गांधी को भाई कहा। सिकंदर दोस्तों, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए जमीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। इसलिए उठो, अलख जगा दो। लेकिन जो भावना देश के साथ जुड़ जाए वो सर्वप्रिय है, वो भावना भगत सिंह की, उधम सिंह की, और वो भावना नरेंद्र भाई मोदी की। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसार नहीं वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। नई सोच है, नई दिशाएं, नए बनाए रास्ते, अपने लिए नहीं दोस्तों, जिए वतन के वास्ते, जिए वतन के वास्ते। राहुल भाई आया है, मैं राहुल भाई को यही कहूंगा कि इनको समेट लो, इनको समेट लो, कुछ ही देर में अगले साल लाल किला पे झंडा आप चहराओगे।
देता है। असूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, जिंदा नजर आना जरूरी है। ऊंचे लंबे लगते हैं ये, मैंने नजदीक से देखा है, ऊंचे लंबे लगते हैं लेकिन बांस की तरह खोखले हैं अंदर से। और मेरा राहुल भाई, मैं उसे भी मिला हूं, गन्ने की तरह है, अंदर से भी मिठू मिठू और बाहर से भी मिठू मिठू।